सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो मेरा पिछला जो वीडियो था जहाँ पे मैंने वकांडा एटलांटिस और एसगार्ड को कंपेयर किया था वो काफ़ी ज़रा हिट रहा और इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही सिमिलर टॉपिक के ऊपर और एक वीडियो बनाता हूँ जहाँ पे मार्वल और डीसी इन दोनों के यूनिवर्सिस में हमें कहीं सारे पावरफुल आर्मीज को दिखाया गया है। जैसे कि मार्वल में हमें हाइड्रा को दिखाया गया, एसगार्डियंस को दिखाया गया एंड नोवा कॉर्प्स जैसी आर्मीज को भी दिखाया गया। तो सिमिलरली डीसी में भी हमें अमेजोन से लेकर क्रिप्टोनियंस तक की आर्मीज को दिखाया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इन आर्मीज को रैंक करेंगे एंड हम देखेंगे कि इन सारी आर्मीज में से सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मी कौन सी है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 अमेजॉन्स। तो नंबर 10 पे है डीसी से अमेजॉन्स, एक ऐसी आर्मी जिसे कि ज़ियूस ने खुद क्रिएट किया था। इस आर्मी का हर एक सोल्जर, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इस आर्मी की हर एक सोल्जर सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी जैसे कई सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स को रखती है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से कहीं ज़्यादा है। अगर अमेजॉन्स को अपने आइलैंड पे ही रहने दिया जाए तो वो नियरली इमॉर्टल है और आइलैंड के बाहर भी उनकी एजिंग काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। हर एक अमेजोनियन वॉरियर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा वेल ट्रेंड एंड स्किलफुल होती है और इस चीज़ के भी कई सारे एग्जांपल्स आप वंडर वुमन की दोनों मूवीज के दौरान देख सकते हैं। जैसे कि जिस तरीके से वंडर वुमन की सेकेंड मूवी में अमेजॉन्स एक दूसरे के साथ टूर्नामेंट में कम्पीट कर रही थी, या फिर जिस तरीके से जब वंडर वुमन की फर्स्ट मूवी में नर्जिस ने वंडर वुमन पे अटैक किया था एंड उनके पास तो गन्स भी थी पर फिर भी अमेजॉन्स ने अपने प्रिमिटिव वेपन्स का यूज़ करके उन नर्जिस को डिफीट किया था एंड इवन खुद वंडर वुमन को भी अमेजॉन्स ने ही ट्रेन किया है। तो इसी पे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका जो फाइटिंग स्टाइल है वो कितना ज़्यादा सुपीरियर है। और जस्टिस लीग की मूवी में भी स्टेपन वुल्फ का सामना करते वक्त अमेजॉन के जो फाइटिंग टैक्टिक्स थे वो इतने ज़्यादा इम्प्रेसिव थे कि मैं बता भी नहीं सकता। बस इस लिस्ट में अमेजॉन्स पीछे इसीलिए है क्योंकि उनके पास जियोग्राफिकली काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है, यानी कि वो लोग एक आइलैंड पे है पर फिर भी उनके पास ट्रैवल करने के लिए कोई फास्ट मेथड नहीं है एंड इसके अलावा भी उनके जो वेपन्स है और उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी पुराने ज़माने की है, तो इसीलिए वो लोग इस लिस्ट में पीछे है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नंबर 9 के ऊपर। नंबर 9 क्री एम्पायर। तो क्री एम्पायर की आर्मी कितनी ज़्यादा पावरफुल है इस चीज़ को हम मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में कई बार देख चुके हैं, जब उन्होंने नोवा कॉर्प्स को डिफीट किया था या फिर जिस तरीके से कैप्टन मार्वल की मूवी में उन्होंने अर्थ के ऊपर अटैक किया था एंड अपनी इसी पावरफुल आर्मी का यूज करके उन्होंने काफ़ी हजारों प्लैनेट को अपने एम्पायर के अंदर ले लिया है, जिसमें से एक प्लैनेट स्कर्ल्स का भी था एंड कॉमिक की एक डिटेल आपको नहीं पता होगी कि ग्रूट के प्लैनेट को भी उन्हीं ने डिस्ट्रॉय किया था। एक नॉर्मल क्री सोल्जर जो होता है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के कंपेयर में दो गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। और अगर हम बात करें उनकी ट्रेनिंग की तो कैप्टन मार्वल की मूवी में हम देख ही चुके हैं कि कैप्टन मार्वल के साथ क्री एम्पायर की जो स्टार फोर्स थी उसके जो मेंबर्स थे वो कितने ज़्यादा वेल ट्रेंड थे। क्री की जो टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, जैसे कि उनके जो स्पेसशिप होते हैं वो वर्म होल की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्पेस में काफ़ी जल्दी ट्रैवल करते हैं, या फिर उनकी जो मिसाइल्स होती है वो भी हाईली एडवांस्ड है एंड क्री का जो कैपिटल है यानी कि हाला वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है एंड क्री का जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है उसे एक तरीके से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी का पीक बोल सकते हैं। नंबर 8 वकांडा। तो अगर आप मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैन हैं तो आई एम श्योर कि आपने इन्फिनिटी वॉर या फिर एंड गेम में एक बार तो वकांडा फॉरएवर जरूर बोला होगा। वकांडा की ही वो आर्मी थी जिसने थैनोस की आर्मी यानी कि आउटराइडर्स के सामने अर्थ को डिफेंड किया था और इसीलिए इस आर्मी का इस लिस्ट में आना तो बनता ही है। वकांडा की जो आर्मी है वो तो स्ट्रांग है ही, पर इसी के साथ साथ वकांडियंस की जो वेपन टेक्नोलॉजी है वो भी हाईली एडवांस्ड है। वकांडियंस ने अपने लिए ऐसे व्हीकल्स को बनाया है जो कि मैग्नेटिक लेविटेशन के ऊपर काम करते हैं, एयर में फ्लोट हो सकते हैं और ज़रूरत आने पे इनविजिबल भी हो सकते हैं। उन्होंने ऐसी एनर्जी शीट्स को डिज़ाइन किया है जो कि उनकी पूरी कंट्री को प्रोटेक्ट करती है और अगर मैं शूरी के एक एक वेपन को गिनाऊंगा तो ये लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगी। वकांडियंस ने ब्लैक पैंथर के सूट को बनाया है जो कि एक नेटलेस में से पूरा फॉर्म हो सकता है और काइनेटिक एनर्जी तक को स्टोर कर सकता है और नए फैल्कन का जो सूट है उसे भी वकांडियंस ने ही डिज़ाइन किया है। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वकांडियंस वेपन्स के मामले में कितने ज़्यादा हाईटेक है।
पर इस लिस्ट में वकांडा के पीछे होने की दो काफी बड़ी वजह है, जो कि अगेन मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि भले ही वकांडियन सोल्जर्स जो हो वो काफी ज्यादा वेल ट्रेंड हो, जो कि हम डोरा मिलाजे के साथ देख चुके हैं, पर आफ्टर ऑल वो सारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है। एंड इसी के साथ साथ वकांडियंस ने स्पेस ट्रैवल की टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं की है, जो कि क्री एंड नोवा जैसे बाकी सारे पावरफुल एम्पायर्स डेवलप कर चुके हैं, एंड इसीलिए वो यहाँ पे लिस्ट में पीछे है। एंड हाँ, मुझे पता है कि कॉमिक्स में उन्होंने इंटरगैलेक्टिक एम्पायर ऑफ वकांडा बनाया था, पर हम यहाँ पे सिर्फ मूवीज को ही कंसिडर कर रहे हैं। नंबर 7, एटलांटिस। तो नंबर 7 पे हम बात करेंगे एटलांटिस की आर्मी की, और यहाँ पे हम सिर्फ एटलांटिस सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एटलांटिस एम्पायर की बात कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे एटलांटिस के साथ साथ क्सेबल, ब्राइम, फिशरमैन या फिर ट्रेंच जैसी एक्वामैन की पूरी आर्मी को अगर हम कंसिडर करेंगे, एंड अगर एक्वामैन को अपने ओशन मास्टर के फॉर्म में लेते हुए हम उसके कैराथेन के मॉन्स्टर को भी कंसिडर करेंगे, तो एटलांटिस की आर्मी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो पूरे ओशन को तो रूल करती है, पर इसी के साथ साथ अगर वो चाहे तो पूरे अर्थ को भी कॉन्कर कर सकती है। एटलांटियंस अपनी आर्मी में शार्क्स का यूज करते हैं, जायंट सी हॉर्सेस का यूज करते हैं, क्रैब्स का यूज करते हैं, और अगर एक्वामैन चाहे तो वो सारी एक्वाटिक लाइफ फॉर्म से कम्युनिकेट कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पूरी अर्थ पे उतनी पॉपुलेशन भी नहीं होगी जितने एक्वामैन की आर्मी में सोल्जर्स होंगे। एटलांटियंस के फिजिकल एट्रीब्यूट्स को तो मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि वो लोग ऑलमोस्ट 500 से 600 साल तक जिंदा रहते हैं, आधा टन वेट तक को लिफ्ट कर सकते हैं, उनके सेंसेस काफ़ी ज़रा शार्प होते हैं और वो खुद भी काफ़ी ज़रा ड्यूरेबल होते हैं। इनके अलावा उनकी जो वेपन टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी ज़रा एडवांस्ड है, जहाँ पे उनके एडवांस सूट्स को एंड उनके प्लाज्मा गन जैसे वेपन्स को तो हम देख ही चुके हैं। इनके अलावा भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाईटेक सबमरीन्स को डिज़ाइन किया है, और वाटर कैनन जैसे वेपन्स को बना के वो अपने डिफेंस को भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो एटलांटियंस की जो आर्मी है वो काफ़ी ज़रा मैसिव है, पर यहाँ पे उनकी एक काफ़ी बड़ी वीकनेस भी है। एटलांटियंस जिन एक्वाटिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं वो पानी के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, और खुद एटलांटियंस भी अपने सूट्स के बिना ज़मीन पर ज़िंदा नहीं रह सकते। और इनके अलावा एटलांटियंस की जो टेक्नोलॉजी है जैसे कि वाटर कैनन, वो भी हाईली पानी के ऊपर बेस्ड होती है, और इसीलिए ज़मीन पर दूर लड़ने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी, एंड यहाँ पर स्पेस में लड़ने का तो सवाल ही नहीं होता, और इसीलिए एटलांटियंस की जो आर्मी है वो इस लिस्ट में पीछे है। नंबर 6, क्रिप्टोन। तो अगर क्रिप्टोन अपने इंटरनल इश्यूज की वजह से डिस्ट्रॉय ना हुआ होता तो क्रिप्टोनियंस इतने बड़े इंटरगैलेक्टिक और एडवांस एम्पायर को बिल्ड कर सकते थे जिसके बारे में हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर हम बात करें क्रिप्टोनियन टेक्नोलॉजी की, तो सुपरमैन की मूवी में हमें जो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड दिखाया गया है जो कि हाईली एडवांस्ड है, वो एक तरीके से एक क्रिप्टोनियन शिप है, एंड क्रिप्टोनियंस ने ऐसे हजारों शिप को यूनिवर्स के अलग अलग कोनों में भेजा है। इसके अलावा सुपरमैन की मूवी में ही हमने देखा कि कर्नल जॉड और उसके जो बाकी के साथी थे वो क्रिप्टोनियन आर्मर्स का यूज कर रहे थे, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। एंड मैन ऑफ स्टील में ही हमने क्रिप्टोन की अलग अलग टेक्नोलॉजीज जैसे कि टेराफॉर्मिंग या फिर वर्म होल क्रिएशन या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक को देखा है। क्रिप्टोनियंस जेनेटिक्स की और आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, और इसी के साथ साथ उनका खुद का जो जेनेटिक्स होता है वो उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। रेड सन की प्रेजेंस में वो लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स जैसे होते हैं, पर अगर किसी क्रिप्टोनियन को येल्लो सन या फिर ब्लू सन के कॉन्टेक्ट में लाया जाए तो उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगी, और एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे एक सुपरमैन बन जाएगा। और एक ही सुपरमैन को हराना कितना ज़्यादा मुश्किल है ये तो हम जानते ही है, तो आप खुद ही सोचो कि अगर ऐसे सुपरमैन की एक पूरी आर्मी होगी तो उसे हराना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। नंबर 5, नोवा कॉर्प्स। तो नंबर 5 पे है नोवा कॉर्प्स, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगी, क्योंकि मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें नोवा कॉर्प्स को अपने फुल पोटेंशियल में दिखाया नहीं गया है। यहाँ पे हमें बस इतना दिखाया गया कि उन्होंने क्रीस के साथ फाइट की जहाँ पे वो लोग डिफीट हुए, एंड उसके बाद थैनोस ने जाके नोवा कॉर्प्स एंड पूरे जेंडार को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। नोवा एक ऐसी आर्मी है जो कि पूरे यूनिवर्स में पीस को मेंटेन करती है, एंड आई एम श्योर कि थैनोस ने जो किया वो नोवा कॉर्प्स का एंड नहीं होगा, क्योंकि कॉमिक्स में भी नोवा कॉर्प्स कई बार डिस्ट्रॉय हो चुकी है पर उसे वापस से रिबिल्ड किया जाता है। एंड मार्वल के सिनेमेटिक यूनिवर्स में भी हमें ऐसा ही दिखाया जाएगा, क्योंकि कुछ रूमर्स ऐसे थे कि हमें गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की थर्ड मूवी में नोवास को दिखाया जाएगा,
एंड अभी तो हमने नोवा के सेंचुरियन सोल्जर्स को नहीं देखा है जो कि 20,000 किलो तक वेट को लिफ्ट कर सकते हैं, स्पेस की एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम कोल्ड के सामने रेजिस्टेंस है और लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। अब आप खुद ही सोचो कि अगर ऐसे सोल्जर्स नोवा कॉर्प्स में होंगे तो फिर वो आर्मी कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। नंबर 4, ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स। तो मैंने क्रिप्टोनियंस के बारे में आपको ऐसा बताया कि अगर हर एक क्रिप्टोनियन सुपरमैन जितना पावरफुल होगा तो फिर उन्हें हराना कितना ज्यादा मुश्किल होगा, पर ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स ऑलरेडी एक ऐसी आर्मी है जिसका हर एक सोल्जर एक सुपर ह्यूमन है जो कि अपने लैंटर्न की रिंग एंड अपने विल पावर का यूज करके किसी भी वेपन को फॉर्म कर सकता है। एंड ऐसे कई सारे एम्पायर्स होंगे जिन्होंने यूनिवर्स के काफी बड़े हिस्से को एक्सप्लोर किया होगा या फिर काफी गैलेक्सीज को रूल करते होंगे, पर ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स एक ऐसी आर्मी है जो कि पूरे यूनिवर्स को ही एक्सप्लोर कर चुकी है, उसे अलग अलग सेक्टर्स में बांट चुकी है एंड उन सारे सेक्टर्स को प्रोटेक्ट भी करती है। ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स एक ऐसी आर्मी है जिसमें यूनिवर्स के अलग अलग सेक्टर्स से एलियंस को लाया जाता है, उन्हें वॉलंटियर बना के इस आर्मी में इंक्लूड किया जाता है और फिर यूनिवर्स के जो गार्डियंस है वो अपनी बनाए हुए लैंटर्न रिंग के थ्रू इन लैंटर्न्स को पावर देते हैं। एंड हम देख ही चुके हैं कि एक ही ग्रीन लैंटर्न कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, तो ग्रीन लैंटर्न्स की पूरी एक आर्मी जिसमें छोटे चूहे जितने ग्रीन लैंटर्न से लेकर एक बड़े प्लैनेट जितना बड़ा ग्रीन लैंटर्न हो, वो आर्मी क्या कुछ नहीं कर सकती मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। एंड एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कॉमिक्स की जो नोवा कॉर्प्स है मार्वल की, उसे भी ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स से ही इंस्पायर किया गया है। और हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि गार्डियंस की बनाई जो लैंटर्न रिंग्स है जो कि हर एक ग्रीन लैंटर्न का अल्टीमेट वेपन है, वो काफी जरा एडवांस भी होती है। वो पूरे यूनिवर्स की अलग अलग स्पीशीज की सारी टेक्नोलॉजीज को समझती है, सारे लैंग्वेजेस तक को एनकोड कर सकती है और इसी के साथ साथ उससे बने हुए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो 100 टन वेट तक को इजीली लिफ्ट कर सकते हैं। नंबर 3, एस्गार्डियंस। तो नंबर 3 पे है एस्गार्डियंस और यहाँ पे हम एस्गार्ड की गोल्डन एज की आर्मी को कंसिडर करेंगे, यानी कि तब की आर्मी जब ओडिन और हेला ने मिलकर पूरे 9 रिम्स को जीता था, तब की आर्मी जब वेलकरीज की पूरी जो आर्मी थी वो भी एस्गार्ड की आर्मी का ही पार्ट थी एंड ये जो आर्मी थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। ये सब चीजें मैं अपने वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ कि एस्गार्ड की आर्मी का हर एक सोल्जर अपने आप में एक सुपर सोल्जर होता है जो कि 5 टन वेट तक को लिफ्ट कर सकता है। उनकी जो मसल डेंसिटी होती है वो नॉर्मल ह्यूमन के कंपेयर में 3 गुना होती है। उनका जो लाइफ स्पान होता है वो भी हजारों सालों तक होता है और उनके जो घाव होते हैं वो भी काफी जल्दी रीजनरेट करते हैं। एंड ये सब तो बात हुई एक नॉर्मल एस्गार्डियन की। एस्गार्डियंस की जो आर्मी है वो नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड्स तक को इंक्लूड करती है, जहाँ पे हैंडाल जैसा ऑल सीइंग गॉड है, लेडी सिव जैसे कैरेक्टर्स है एंड इसी के साथ साथ गॉड ऑफ मिस्चीव्स लोकी भी है। एस्गार्डियंस काफी ज्यादा एडवांस तो है ही एंड उसी के साथ साथ वो लोग मैजिक का भी यूज करते हैं। एस्गार्डियंस ने अपने डिफेंस के लिए कैनन्स को बनाया है, मैजिकल शीट्स तक को बनाया है और अपने फास्ट ट्रैवलिंग के लिए उन्होंने फ्लाइंग शिप्स को एंड बायफ्रॉस्ट को डिजाइन किया है। और अगर आपको एस्गार्ड की वेपन टेक्नोलॉजी का बेस्ट एग्जांपल देखना है तो उसके लिए आप डिस्ट्रॉयर के आर्मर को या फिर थॉर के स्टॉर्मब्रेकर को देख सकते हैं। और इन सारी चीजों के बोनस में अगर ओडिन या फिर हेला या फिर थॉर जैसे एस्गार्ड के पावरफुल रूलर्स इस आर्मी को लीड कर रहे होंगे तो ये आर्मी बिल्कुल अनडिफिटेबल होगी। नंबर 2, पैराडीमंस। तो डार्क साइड के अपोकैलिप्स से आई पैराडीमंस की आर्मी कितनी ज्यादा खतरनाक है ये हम जस्टिस लीग की मूवी में देख चुके हैं। हर एक पैराडीमन अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी होता है और इसके एडिशन में उनके जो आर्मर्स होते हैं और जो वेपन्स होते हैं वो उन्हें एक एज देते हैं। पैराडीमंस की आर्मी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पैराडीमंस जिस भी प्लेनेट को जीतते हैं उसे पूरी तरीके से टेराफॉर्म कर देते हैं और उसकी सारी पॉपुलेशन को भी पैराडीमंस में कन्वर्ट करके अपनी आर्मी का हिस्सा बना लेते हैं। और इसीलिए पैराडीमंस की जो आर्मी है वो काफी बड़ी है एंड जब डार्क साइड और बाकी के न्यू गॉड्स मिलके इस आर्मी को लीड करते हैं तो हमने देखा ही है कि लैंटर्न्स के साथ साथ एटलांटियंस एंड अमेज़ॉन्स साथ मिलकर भी इस आर्मी को मुश्किल से ही हरा पाए थे, और वो भी तब जब ज़ियूस एंड एरीज जैसे ओल्ड गॉड्स ने उनकी हेल्प की थी और डार्क साइड अपने फुल पोटेंशियल में नहीं था। और इसीलिए ये जो आर्मी है वो इस लिस्ट में नंबर 2 पे है। नंबर 1, चित्तोरी एंड आउटराइडर्स। तो चित्तोरी को ऑफिशियली मार्वल के यूनिवर्स की सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मी कहा गया है
और चित्तोरी की आर्मी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है ये हमने अवेंजर्स की पहली मूवी से लेकर लास्ट मूवी यानी कि अवेंजर्स एंडगेम में भी देखा है, जब सारे सुपर हीरो साथ मिलकर भी इस आर्मी का सामना काफी ज्यादा मुश्किल से कर पा रहे थे। एंड अगर हम बात करेंगे आउटराइडर्स की, तो आउटराइडर्स को हमने वकांडा की बैटल में देखा है। हमने देखा है कि वो कितने माइंडलेस होते हैं, कितने खूंखार होते हैं, और एक एक आउटराइडर को हराना कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर सोल्जर के लिए भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग था। तो अगर हम थेनोस की दोनों आर्मीज को कंबाइन कर देंगे तो वो तो इस लिस्ट में नंबर वन पे तो जरूर होगी। और इसी के साथ साथ अगर हम थेनोस और उसके ब्लैक ऑर्डर को ले ले, यानी कि कल ऑब्सीडियन की स्ट्रेंथ को एंड एबोनिमो की टेक्नोलॉजी को, तो पूरे MCU और DCU में ऐसी कोई भी आर्मी नहीं है जो कि दूर दूर तक अकेले इस आर्मी को टक्कर भी दे पाए। एंड आई एम श्योर कि आप में से सारे लोग मेरी इस बात से अग्री करेंगे। और हाँ, आई नो कि कुछ लोग तो कमेंट में ऐसा आर्ग्यू करेंगे ही कि डार्कसाइड ने अपनी आर्मी को लेके पूरे मल्टीवर्स तक को कॉन्कर किया है, तो उन्हें मैं याद दिला दूं कि यहाँ पे हम सिर्फ मूवीज के पॉइंट को ही मोस्टली कंसिडर कर रहे हैं। और अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।